नमस्कार, पल पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नैंसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन खबरों से। आगामी 1 जून से 10 जून तक किसान करेंगे बाजार का बहिष्कार। ना तो शहर जाकर कुछ बेचेंगे और ना ही शहरों में कुछ खरीदेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बैठक के बाद मीडिया को दी जानकारी। आंदोलन के अंतिम दिन 10 जून को 2 बजे तक करेंगे भारत बंद। सुंदर भाटिया अमर सिंह की देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आपने अभी तक भारत बंद, प्रदेश बंद, शहर बंद सुने होंगे, लेकिन अब होंगे गांव बंद। जी हां, हम किसानों के उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसके तहत गांव बंद किए जाएंगे। यानी 1 जून से 10 जून तक इस आंदोलन तहत किसान ना फसल बेचने शहर आएंगे और न ही शहर से कुछ खरीदेंगे। किसानों के कर्ज माफी, फसल के उचित मुनाफे व प्रत्येक परिवार की आय सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर इस तरह का आंदोलन की घोषणा की गई है। इस सारे आंदोलन में लगभग 172 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं, जो देश भर में इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। एक मुद्दा रहा है कि जो देश के अंदर आंदोलन चल रहा है 1 जून से 10 जून तक गांव बंद का, जिसमें 3 मांगे हैं। एक, पूरे किसानों का कर्जा समाप्त किया जाए, कर्जा मुक्त किया जाए किसान को, और दूसरा है कि C2 के ऊपर 50% मुनाफा सभी फसलों का मिले, जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, और तीसरा हर परिवार की एक सुनिश्चित आमदन तय की जाए जितने में उसका जीवन गुजारा हो सके। इन 3 मांगों पे पूरे देश में आंदोलन है, तो उसी के तहत यहाँ पे मीटिंग करी थी। उसके अलग अलग आज ड्यूटियाँ लगाई हैं, सभी ब्लॉकों ने यहाँ की जिम्मेवारियाँ ली हैं कि किसी गांव से कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति सामान बेचने शहर में नहीं जाएगा और शहर से खरीदने भी नहीं जाएगा। पूरी तरह से गांव छुट्टी पर रहेंगे। यहाँ ड्यूटियाँ उनके लगा दी, अपना अपना मोर्चा यहाँ के लोगों ने संभाल लिया है। ये 10 दिन चलेगा, 1 जून से 10 जून तक चलेगा, और 10 जून को भारत बंद का आह्वान है। अब देश के 172 किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, पहले से नियुक्त किया जाएगा कि अगर सरकार बात करना चाहे तो ये कमेटी बात करने वाली होगी।